चारों लाइनिंग लेंगे 11x11 की, रनर ले लेंगे, दोनों जिप ले लेंगे, 1.5 इंच बाई 11 इंच का वन पीस क्विल्टेड ले लेंगे, और इसमें हम जिप को एक किनारे रखते हुए एक पीस लगा देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो जिप है हमारी, लाइनिंग को नीचे रखेंगे और इस पर सीधी जिप रखेंगे इस तरह से, और इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद दूसरी जिप जो है इस क्विल्टेड पीस के इस किनारे पर लगाएंगे सेम प्रोसीजर में। पहले हम क्विल्टेड पीस पर उल्टी जिप रखेंगे, एक लाइनिंग रखेंगे, फिर जिप के दूसरे सिरे पर जैसे उसको जोड़ा था वैसे दूसरी लाइनिंग को कंप्लीट कर देंगे। इसको इस तरह से कंप्लीट करने के बाद दोनों रनर लेंगे और जो 9 इंच का हमारे पास फैब्रिक लूप है उसको लेंगे, रनर के जो ऊपर के लूप होते हैं उनको हम इसमें डाल करके और एक सिरा यहाँ सिल देंगे इसके साथ और दूसरा इसमें सिल देंगे। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर बारीक मशीन चला दीजिए। इसको जोड़ने के बाद अब ये जो दोनों जिप है हमारी उसमें एक एक रनर हम डाल देंगे। ये हमने रनर डाल दिया और उसको लूप में फंसा दिया इस तरह से। अब इस जिप के साथ जो दो लाइनिंग है उनको एक साथ लेंगे, इनको अलग रखेंगे, ये हमारा बीच में अलग दिखना चाहिए क्विल्टेड पीस। अब इसको हम तीन से एक एक लाइनिंग को हम तीनों साइड से सिल देंगे और एक लाइन को केवल साइड से सिलेंगे, एक बॉटम खुला छोड़ देंगे। इसको तैयार करने के बाद ये दो पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई। इसको तैयार करने के बाद 5 इंच की दोनों लूप लेंगे और डी लूप लेंगे और इसमें इस तरह से डी लूप को डालते हुए इस तरह से बराबर से लूप को कर लेंगे और इसको इस तरह से क्रॉस करते हुए यहाँ पर मशीन चला देंगे। यहाँ पर मैंने जो सिलाई की है इसमें सब 2-3 डबल मशीन चलाई हैं और अब इस डी लूप को हम तैयार करने के बाद दोनों लाइनिंग को अलग करेंगे और लाइनिंग को इधर से हटाते हुए इस तरह से दोनों लाइनिंग को पीछे हटा देंगे और ये जो जिप है जिप पर एक डी लूप का फैब्रिक लूप यहाँ रखेंगे इस तरह से पलटते हुए यहाँ रखेंगे और एक को यहाँ रखेंगे और मशीन चला देंगे। इस तरह से इसको जोड़ना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई गोल रिंग भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर में इधर भी लाइनिंग को हटाते हुए डी लूप को जोड़ देना है इस तरह से बराबर से रखते हुए। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया। अब लेंगे 6x8 इंच का दोनों पीस और इसमें मेजरमेंट करेंगे। ये 6 इंच है, ये 8 इंच है। किसी भी एक साइड से निशान लगाएंगे, सेंटर निकालेंगे 3 इंच पर, फिर 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच इधर, टोटल हमें 3 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। इस 3 से इस 8 इंच के कॉर्नर पे एक लाइन खींचेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे मैंने लाइन खींच रखी है। तो इस तरह से
दोनों पीस में लाइन खींचने के बाद इसको हम कट करेंगे। इसको कट करने के बाद इसको मोड़ेंगे 6 इंच के एरिए पर। यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप देंगे दोनों पीस को सेंटर में मोड़ते हुए। ये शेप हमने कुछ इस तरह से दे दिया। अब इसको इस पर कॉपी कर लेंगे और कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद इस पीस को लेंगे, जो राउंड शेप है इसको उधर रखेंगे और डी लूप को हटाते हुए जो ये 3 इंच का एरिया है इसके साथ हम यहाँ पर जोड़ देंगे लाइनिंग को हटाते हुए। ये लाइनिंग हटा दी हमने और पूरे जिप को यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद इधर पलटेंगे और यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। ये इसको हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको मोड़ते हुए इसका सेंटर भी निकाल लेंगे नीचे की तरफ से। ये सेंटर है, सेंटर निकालने के बाद अब हम मेन पीस लेंगे। इसमें भी मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 8 इंच है, ये बीच में 6 इंच है और ये 8 इंच है। यहाँ पे हमने 6 इंच पर लाइन खींच ली है। अब इस 6 इंच का भी सेंटर निकालेंगे 3 इंच पर दोनों साइड में इस तरह से। और ये जो पीस है हमारे पास जो अभी हमने जोड़ा है प्रिंटेड पीस, इसको इस सेंटर से मिलाते हुए अब यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सिलते हुए पूरा यहाँ तक ले आएंगे। इसको सिलने के बाद अब यहाँ पर जो हमने ये पीस यहाँ पे जिप के साथ जोड़ा था यहाँ तक हमने डबल मशीन करके छोड़ दिया है। अब सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे और यहाँ तक ला करके डबल मशीन चला के छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये पीस हमारा बढ़ रहा है। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर दीवार लगाई थी 6x8 की, यहाँ पर ये पीस बढ़ रहा है। अब ये जितना बढ़ रहा है इसको हमें कट करना है। तो आज हमने जो ये बैक का जो मेजरमेंट लिया है वो इसको बढ़ा के रखा है। पहले हम क्या करते थे कि साइड वाली जो दीवार थी उसको सेट करते थे कि इसके हिसाब से ये आनी चाहिए, तो हम इसको बढ़ा लेके चलते थे। आज हमने पर्स का जो मेन पीस है उसको बढ़ा लिया है। तो अब ये जितना बढ़ रहा है इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैंने तो बढ़ा के लिया, आपको पहले दीवार जो साइड की जितना बड़ा साइज़ चाहिए वो साइज़ लीजिए, उसके बाद उसको मेजरमेंट कीजिए, उसके बाद इस कुर्ती पीस को तैयार कीजिए। बस सिंपल सी बात ये है। ये हमने दोनों पीस कट कर दिए, ये कहीं और काम आ जाएंगे फिलहाल मेरे। और लेकिन आपको दीवार ये जो साइड वाला हिस्सा है पहले इसको तैयार करना है, इसके हिसाब से पूरा मेजरमेंट करके तब इस क्विल्ट पीस को तैयार करना होगा। तो क्योंकि हर बैग के डिज़ाइन की अपनी एक अलग डिमांड होती है। और अब इसको भी हम इस सेंटर के साथ जो दूसरा पीस है इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे, सेंटर से सेंटर मिलाकर इसको हम जोड़ देंगे दूसरी तरफ की दीवार भी।
इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर जो जिप और लाइनिंग को हमने यहाँ पे सिंपल सा जोड़ दिया था, अब दोनों इस पीस को उठा करके, ये जो जिप है और ये जो लाइनिंग का हिस्सा है, अब इसको इसके साथ यहाँ पर हम इधर भी जोड़ देंगे और दूसरे साइड भी जोड़ देंगे। अब इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ये देखिए दीवार भी लग गई, यहाँ की जो जिप थी वो भी लग गई, इस साइड भी लग गई। अब जो लाइनिंग का पीस खुला हुआ है, इधर से जिप को खोलेंगे और इसको सीधा करेंगे। और ये जो लाइनिंग खुली हुई है इसको हम फिनिशिंग के साथ बंद कर देंगे। इस जिप को खोलेंगे, इसकी लाइनिंग को पहले अलग करेंगे अंदर से, अब इसको डाल देंगे। और इसकी जो हाइट थी वो 8 इंच आ रही थी, यहाँ पर हमने 6 इंच लिया था, तो लाइनिंग हमने 11x11 की ले ली बढ़ा करके, क्योंकि ये 8 और ये 6, तो 8 और प्लस ये 6 का जब हाफ 3 लेंगे तो 11 इंच आएगा, तो 11x11 की लाइनिंग ले ली। तो ये पूरी जगह आपको देगा, बॉटम तक पूरी स्पेस को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी जिप दे दी, तो इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया, देखिए साइड में राउंड आ गया इस तरह से। और अब बारी है हमारी बेल्ट की, अब इस डी लूप में बेल्ट डालेंगे या गोल रिंग जो भी आप डालें उसमें डाल के इसको यहाँ पर मशीन चला दें, डबल मशीन चलेगी दोनों तरफ। और ये बैग हमारा फुल कंप्लीट हो गया इस तरह से, और दो पॉकेट हमें यहाँ पर गहरी गहरी मिल गई। अब आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ये फुलफिल कंप्लीट है और इस तरह से खूबसूरत साइड पर्स तैयार है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।